कल की आप बीते के बारे में और जो आने वाले वक्त के लिए आपको सजेशन बताइए आप अपना। कल मैं परसों चला था नए शहर लखीमपुर से, मेरी बीवी की डिलीवरी थी कल के लिए, और रास्ते में यहाँ हमारे साथ यह हादसा हो गया। कुछ लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया, ईंटे पत्थर लाठी सब मारा, और बहुत अफसोस हुआ कि लोग इतने इतने गुस्से में थे कि उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि ये आदमी यहाँ का नहीं है, राहगीर है, और उनके अंदर इंसान नहीं शैतान ने उनको बरगलाया था। अल्लाह ताला उनको माफ़ करे और उनको हिदायत दे। उसमें कुछ लोग अच्छे भी थे जिन्होंने बाद में मेरे ऊपर रहम फरमा के मुझको छोड़ दिया, उसको गाड़ी की चाबी वापस कर दी, उसको जाने दिया। ये सब तो वक्ती तौर पर था, मगर जिस इंसान की जान गई बेचारे उनके घर वालों पर क्या बीतती होगी। लड़का था वो गैर मुसलमान मगर हिंदू भाई था मेरा, उसकी जान चली गई, उस लोगों ने मेरी जान बच दी, इससे बढ़ के क्या होगा, इतना रहम कर दिया। मैं चाहता हूँ, मैं अपील करता हूँ पूरी अपने कौम से, हिंदू भाइयों से, कि आपस में इख्तलाफात ना करें और मिलजुल के रहें। हर इंसान एक इंसान है, बाद में जो है वो मुसलमान और हिंदू है, पहले इंसान है। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, और आज उन लोगों के ही फसल से उन जिन्होंने मेरी जान बख्शी, मैं अपनी लड़की को देख पाया, वरना क्या हादसा होता, मैं अपनी लड़की को भी ना देख पाता अगर उसी माहौल में मुझे वो मार देते। मगर बहुत अच्छे लोग थे वो लोग जिन्होंने मेरे पर ये जुल्म करने के बाद उसको जो है ज़िंदगी दे दी और यहाँ तक के आने का मौका दे दिया। बस दुआ है अल्लाह से कि उनको हिदायत दे, उनके दिल में ये जो गंदगी है मारने पीटने की, उसको हटा के सुकून और अमन का संदेश देता हूँ कि उन लोग आपस में हिंदू मुसलमान एक होकर रहें, और इस शहर को, अलीगढ़ को और जितने भी शहर हैं इसे आसपास, कानपुर में भी सुना कुछ वारदात हुई है, वहाँ के भी लोगों को कहता हूँ कि सुकून और ज़िंदगी में अमन लाएँ। हम पूरे हिंदुस्तान से मुसलमानों को, हिंदुओं को कहते हैं कि अल्लाह ताला उन सबको हिदायत दे कि आपस में मिलजुल कर रहें और खुश मिजाजी से रहें, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाएं, हिंदुस्तान को बिल्कुल हिंदू या हिंदुस्तान ना बनाएं कि यहाँ मुसलमानों का रहना दुश्वार हो जाए, आपस में मिलजुल कर रहे ऐसा हिंदुस्तान बनाएं। यही मेरी आवाम से मेरी ख्वाहिश है और अपील है।